में उठाने के लिए नाश्ता तैयार है। बिस्तर उठाती हो क्या? नहीं, मैंने सोचा कि तुम उठोगे, मुंह हाथ धोगे, तैयार होगे, टाइम लग जाएगा, मुझे बहुत भूख लगी है। रांझे आ गई तेरी हीर, चल चल ले चल मुझे अपने साथ चल। हाँ अच्छा किया तू आ गई हीर, वरना मेरा मोहब्बत पे से ईमान ही उड़ जाता। मैंने कर दिया सलून। क्या मगर क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि चावल की फसल को पानी कितना देते हैं, गंदम में अगर कीड़ा लग जाए तो क्या करना चाहिए, लस्सी बनाने का सही तरीका क्या है। ओह, तो अब क्या करोगे? क्या करना है, जाके पैकिंग करो, वापस जाएंगे और क्या, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है। हारिस तुम प्लीज उदास मत हो, खाला से बात करो ना, उनसे पूछते हैं कि इनकार करने की क्या वजह होगी। बात करने का फायदा क्या है, क्या कर लेंगी वो, ठीक ही तो कह रहे हैं ना, मैं यहां रुक सकता हूँ ना उन जैसा बन सकता हूँ, जाके पैकिंग करो, खाने के बाद वापस चलते हैं। हाय ये तो फारिस है ना, हाँ मखाई वो हो जाता है इसका नाम क्या है, परेशान भाई। लड़की के बाप ने मना किया ना, लड़की ने तो नहीं किया, इसे चाहिए यूं छोड़ के मैदान नहीं जाना चाहिए भाई। लड़कियों के बाप को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, वैसे इसे चाहिए कुछ दिन रहे, इम्प्रेस करे, कुछ थोड़ा वक्त तो दे भाई उन्हें। मगर पाकिस्तान में कहाँ रिवाज है कि एकदम से रिश्ता मांग लो तो वो राज़ी हो जाए लड़कियों के क्या नाम है माँ बाप। इसके बाप का भी तो ये हुआ था, मेरे अब्बा से रिश्ता मांगने आए, उन्होंने जवाब दे दिया, वो भगा के ले गए मुझे। हाँ अरे हाँ आइडिया आया, फारिस से कहती तू भी उसे भगा के ले जा, क्या नाम है उसको, हीर को। हाँ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के इसके बाप ने मुझे, उन्होंने तो मुझे वही किया था सिर्फ इशारा, मैं तो भाग ली। इससे कहती हूँ कि वो हीर को भगा ले, चौधरी साहब को कौन सा वीज़ा मिलेगा ना, वो वहाँ आ सकते हैं अमरीका, और अगर वो आ भी गए और आके हमें उन्होंने कोई तंग किया तो हम क्या करेंगे। हम वहाँ फ़ोन कर देंगे, क्या नाम है उसका, 911 पे हम कह देंगे कि हमें वो कर रहा है, क्या नाम है, हाँ 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 हरेस कर रहा है, पकड़वा देंगे। ये सही है, एक मिनट ठहरें, मैं ज़रा फारिस से बात करके आती हूँ, जाना नहीं। हाँ मैं पैकिंग कर रही हूँ वापस आने के लिए। इसे पता है इस वक्त अगर उसके खालू मेरे सामने होते ना तो मैं उनका मुंह चूम लेती। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें सेकंड चांस मिला है, वरना तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी फारिस को खो देने में। बस अब एक और रह गई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मेरी बात मानो और फौरन वापस आओ और फारिस को सब कुछ बताओ, नहीं तो मैं बता दूं। यार अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो तुम भी कर लो थोड़ी। हेलो निशा, हेलो। हाँ मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा है, फारिस भी बहुत हर्ट है, अब देखो उसने खुद क्या डिसाइड किया है। हाँ हर तो होगा बेचारा, पहले वो रूमी वाली गेम हो गई और इस बार शादी से साफ इनकार हो गया, पर मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा मैं आकर बात करती हूँ, ठीक है बस पैकिंग कर लूँ मैं, बाय लूसी, आई एम सो हैप्पी। अच्छा चलो मुझे ट्रीट दो। खुश तुम हो निशा के लिए और ट्रीट मैं दूँ? क्यों निशा तुम्हारी दोस्त नहीं है और तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसकी खुशी में खुश हो। मुझे लंच करवाओ, मुझे नहीं पका। ओके दैट्स व्हाई आई लाइक यू, तुमसे ना ज्यादा बहस नहीं करनी पड़ती। अच्छा चलो अब बंद करो यार इसे, आओ
फारिस बेटा तुम कुछ दिन और रुक जाते। ऐसा का ऑफिस भी है ना। और रुक जा ना फारिस, दो दिन तो हुए तुम लोग को आए हुए। अच्छा चल मेरी गारंटी, अब अब्बा से कहूंगी तुझे ज्यादा खाना ना खिलाए और कबड्डी भी ना लड़ियो बस अब। खुश रुक जा ना। हाँ के नहीं? नहीं जाना होगा। बेहतरे अगर रुक जाता तो अच्छा था, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। अरे नहीं खालू, बहुत शुक्रिया आप। और रही बात मुलाकात की, तो आप लोग आइएगा ना अमेरिका मुझसे मिलने। तू अमेरिका बुलाएगा हमें? चल आऊंगी तेरे पास अमेरिका भी घुमाएगा। क्यों नहीं। अच्छा वैसे एक बात बता, शादी वादी का क्या प्लान है? अमेरिका में कोई गोरी शोरी पसंद की है या गांव की कोई गोरी ढूंढू तेरे लिए? हाँ गांव की गोरी मानेगी कैसे, और अगर वो मान भी गए उसके माँ बाप राजी नहीं होंगे। ओए क्यों नहीं होती वो राजी? वो कोई पागल ही होगा जो अपने बेटी का हाथ तेरे हाथ में देने से मना करेगा। मैं तो कहती हूँ रुक जाए यहीं पे, कोई गांव की गोरी ढूंढती हूँ तेरे लिए। वैसे एक है मेरी नजर में, गांव की गोरी नहीं है। मगर गोरी जरूर है। हीर पुत्र है, उसकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। जो बेटा जल्दी से तैयार। अल्लाह खैर से जाए। खाला प्लीज रोए तो नहीं। क्या करूं बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम इस तरह जा रहे हो। मैं कोई नाराज होकर थोड़ी जा रहा हूँ। आप लोगों ने जितना मेरा यहाँ ख्याल रखा है मैं सब कुछ बहुत मिस करूंगा। मैं जानती हूँ ये सब तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, इतना अच्छा मौका मिला था कि हम अपने पुराने रिश्ते इससे जोड़ लें। लेकिन तो खाला रिश्ता तो मेरा और आपका है और ये हमेशा रहेगा, इन छोटी छोटी बातों से खत्म थोड़ी हो जाएगा। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे। तुमसे मिलके भी बहुत खुशी हुई। तुम भी अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और जितना ख्याल आप सबने रखा है उसके लिए थैंक यू। अरे नहीं, खुदा हाफिज़ खाला। खुदा हाफिज़। फारिस चला गया? जी चले गए। सुकून मिल गया आपको? ठंडक पड़ गई कलेजे में? कब तक नाराज रहने का इरादा तेरा? और अब जाने भी दे, दफा कर गुस्से को। आप तो सेब खाए ना। मैं लगता चौधरानी इस दफा सही गुस्से में है। चलो मनाता हूँ जाके इसको। मैं अभी मुझे तंग ना करें चौधरी साहब। और देखे जी अगर आपके हाथ में और करीब में कोई भारी चीज नहीं है तो मैं अंदर आ जाऊं।
और देख देख चौधरानी, मुझको पता है तू मुझसे सख्त नाराज है, पर मुझे भी बड़ा अफसोस है मना करके, पर मैं क्या करूं, वो हीर का बाप हूं ना और दिल नहीं मानता इतनी दूर भेजने को। ऐसे चौधरी साहब, इंसाफ की बात करें, फारस को गैर तो नहीं करा, सगा भांजा है मेरा। जब उसने मुझसे हीर का रिश्ता मांगा था तो मेरा दिल खुशी से पागल हो गया था। 20 साल से जिस बहन की शक्ल नहीं देखी थी उसके जनाजे पे मैंने उसे कहा था कि अब मैं तेरी माँ हूं। अच्छा चल ना, अब माफ कर दे। वैसे चौधरी साहब, पारस को हीर का रिश्ता ना देकर आपने अच्छा नहीं किया। चल माफ कर दे ना, अब तो तू शर्मिंदा कर रही है मुझे। मुझसे शादी करने आया है और मेरे अम्मा अप्पा का इनकार सुन के तुम वापस आ रहे? तू तो मेरी दोस्त थी, तुझसे तो दोस्ती की थी मैंने, तू ही बता देती। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वापस लेने आई हूँ तुझे, मान जाएंगे अब्बा भी। ठीक हो ना? हाँ, मुझे क्या होना? झूठ बोल रहा है। फारिस परेशान मत होना, देखो अभी थर्ड ऑप्शन भी तो बाकी है। मैं वापस जा रहा हूँ, मैं ये सब मजीद नहीं कर सकता। मुझसे शादी करने आया है और मेरे अम्मा अप्पा का इनकार सुन के तुम वापस आ रहे? तू तो मेरी दोस्त थी, तुझसे तो दोस्ती की थी मैंने, तू ही बता देती। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वापस लेने आई हूँ तुझे, मान जाएंगे अब्बा भी। कालू नहीं मानेंगे। ओए थोड़ी मेहनत तो कर, एक भरी में कौन मानता है, इंप्रेस कर, मक्खन लगा, चांस तो ले, देख तो तू क्या खोकर जा रहा है। मुझ जैसी मिलेगी कोई दोबारा? हाँ, उठा कर लेकर जाऊं या चल रहा है खुद? हीर क्या? क्या हीर, मान जाएंगे ना अब्बा भी। चल बैठ गाड़ी में, बैठ, चल बैठ। ओए गाड़ी घुमा ले। तूने अच्छा नहीं किया। ओ हीर पुत्र, अब क्या बात है, आज तेरा दिमाग फिर घूम गया है और मुझे नाम से पुकार रही है। हाँ तो तूने हरकत ही ऐसी की है, ये मुंडा मुझसे शादी करने आया था और तूने मुझसे पूछे बगैर ही फैसला कर दिया। तो आप प्यो हूँ तेरा, फैसला कर सकता हूँ। अब्बा ये नहीं होने वाला। हाँ तो मैंने करनी है, अबे बुराई क्या है इसमें। हाँ हीर ठीक कह रही है चौधरी साहब। ओ हीर पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ, कैरी ऑन। ओ हीर। अब्बा पहले तो मैं इसे सिर्फ कजन समझ रही थी, मगर ये तो मुझसे शादी करने आया है। थोड़ा तुम देखो, थोड़ा मैं देखती हूँ,
चांस तो देते ना इसे। आ हीर पुत्र, मैंने फैसला कर लिया है और मैं फैसला नहीं बदलूंगा, समझी? ओए किधर? मैंने कहा था खालू नहीं मानेंगे। लड़ाई कर ली है मैंने अब्बा से, अब तो रुकना ही पड़ेगा, आन जाएंगे। बाहर से जितने सख्त है ना, अंदर से उतने ही नरम। रुक जा। तो तेरे कहने का मतलब है कि तेरा रिश्ता आया, चोई साहब ने रिश्ता मना कर दिया और तू उस लड़के को वापस लेकर आ गई? तो तेरी बंदूक का है? तो गोली मार दे मुझे, नहीं जीना मुझे ऐसे। रांझे तू समझ ना, ये सब मैंने तेरे लिए तो किया है। मेरे लिए किया है? और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, तेरी शादी में नाचना नहीं चाहता। शादी तो मेरी तुझी से होगी, मगर वैसे जैसे मैंने बचपन से सोचा है। क्या सोचा था तूने बचपन में, जरा मुझे भी बता। पता है क्या, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भाग के शादी करूं। बस अब क्या, रिश्ता आया है, अब्बा को मनाना है। और तेरा अब्बा मान गया ना तो तेरी शादी उससे होगी, वलैती बाबू से। नहीं, ये शादी की तैयारियां होंगी, रस्में होंगी और शादी की रात दूल्हा घोड़े पे बारात लेकर आएगा और फिर क्या, शादी की रात में तेरे साथ भाग जाऊंगी। तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? गांव की लड़की है ना, बाप की मर्जी के बगैर तो शादी नहीं कर सकती। तुमने उसको देखा नहीं है, वो कोई गांव की लड़की नहीं है, वो यहाँ की रानी है, कि समझो यहाँ की डाकू रानी है। कर उसका दिल आ गया ना फारिस पे, ये बाप की मर्जी भी नहीं चलने देगी। मुझसे शादी करने आया है और मेरे अम्मा अब्बा का इनकार सुन के तू वापस आ रही? तू तो मेरी दोस्त थी, तुझसे तो दोस्ती की थी मैंने, तू ही बता देती। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वापस लेने आई हूँ तुझे, मान जाएंगे अब्बा भी। कालू नहीं मानेंगे। ओए थोड़ी मेहनत तो कर, एक बारी में कौन मानता है? इंप्रेस कर, मक्खन लगा, चांस तो ले, देख तो तू क्या खोकर जा रहा है। मुझ जैसी मिलेगी कोई दोबारा? हाँ, उठा कर लेकर जाऊं क्या? चल रहा है खुद। वाह, ये तो हीर तो बहुत निकली होशियार माशाल्लाह। मैं तो बड़ी इंप्रेस हो गई, ऐसी एंट्री मारी उसने के वो आ गया मुझे मजा, फैन बना लिया उसने मुझे अपनी है? और इसको देखो अब कैसे वो दांत बाहर आ रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे। पहले तो इतना मना रहा था वो, क्या नाम है इसका, सोग उसका कमबख्त हमारी रूमी का। खुश हो गया ना, लेकिन खामखाई खुली आंखों से ख्वाब देखने की भी जरूरत नहीं है बेटा। अभी वो राजी नहीं हुआ उसका क्या नाम है उसका जो क्या कहते हैं हीर का बाप। उसका पता नहीं है चौधरी का मुच्छड़ कितना तंग करेगा। लेकिन खैर मेरा बेटा खुश कितना हो गया ना, खूब दांत निकले हुए बाहर, दिल चाह रहा है टूथपेस्ट लाके दांत साफ कर दूं इसके। प्यारी शक्ल है ना मुझ पे जो है।
अब बस भी करें ना चौधरी साहब, क्या हो गया? आप तो जिद्दी पकड़ के बैठ गए। मेरा मूड बड़ा खराब है और तूने और हीर ने ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ चौधरी साहब, आपने सुना नहीं हुआ कि लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? और मैं काजी नहीं हूँ, कुड़ी का प्यो हूँ, इस गांव का चौधरी हूँ। पर मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, और मुझे गुस्सा आ गया ना तो क्या करेंगे आप? करना क्या, अपने आप पे गुस्सा उतारूंगा। और मैं जा रहा हूँ बाहर चारपाई पे सोने के लिए, और तूने मुझे मनाने की बजाय नाराज कर दिया। तो मैं जा रहा हूँ। हाँ जाए, जाके ठंडी हवा में सोए, तेरा दिमाग को ठंडी हवा लगेगी ना तो थोड़ी अकल भी आ जाएगी। इसका मतलब है कि तुम मुझे रोकोगी नहीं? और तुम्हारा तो खून सफेद हो गया भांजे की मोहब्बत में, हैं? भांजे की मोहब्बत में शौहर को भूल गई हो तुम। भाई चौधरी साहब, इस वक्त तो मुझे सिर्फ और सिर्फ हीर से मोहब्बत है, और हीर के लिए पारस से अच्छा लड़का और कोई हो ही नहीं सकता। आप तो सहन में ही जाके सोए। ठीक है फिर मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए गुड नाइट और मेरे लिए बैड नाइट। यही तो किस्मत ही खराब है, अच्छा खासा हम वापसी के लिए निकल पड़े थे, उस हीर ने ना हीरो वाली एंट्री मार दी। एक तो फारिस की खालाओं की बेटियां ना एक से बढ़कर एक है, अब क्या होगा? ताने उसके खालू तो बहुत नाराज है उससे, लेकिन खाला और हीर का वोट ना फारिस की तरफ है। तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? गांव की लड़की है ना, बाप की मर्जी के बगैर तो शादी नहीं कर सकती। तुमने उसको देखा नहीं है, वो कोई गांव की लड़की नहीं है, वो यहाँ की रानी है, बल्कि समझो यहाँ की डाकू रानी है। कर उसका दिल आ गया ना फारिस पे, अपने बाप की मर्जी भी नहीं चलने देगी। कहाँ फंस गई हूँ मैं? निशा एक काम करो यार, जस्ट कम बैक। तुम्हारा काम तो उसको उसकी खाला की बेटी से मिलवाना, वो तुमने मिलवा दिया, बस वापस आ जाओ। हाँ भाई, तभी जीरो आया था, तुम्हारा पूछ रहा था। वो क्यों आया था, मेरा क्यों पूछ रहा था? बस तुम्हारा पूछ रहा था, और मैंने तो बता दिया तुम फारिस के साथ गई हो। तुम मेरी जिंदगी में कम मसले हैं, ऊपर से ये भी आ गया है। वैसे तब बुरा भी नहीं है वो। और हेलो, तुम मेरी दोस्त हो, उसका क्यों साइड ले रही हो? अच्छा अच्छा, मुझ पर क्यों गुस्सा आ रही हो? अब बस तुम जल्दी वापस आ जाओ। आती हूँ, बाय। Bye. कितना इंतजार में कि मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊं? अरे नहीं, मैं वो बस खालू। कितना नॉन रोमांटिक है तू, एक चांस दिया था मैंने, वो भी खो दिया तूने बुद्धू। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगी। चाय पियोगे? चौधरी शराफत, कैसी है तेरी ये चौधराहट, और तुझसे तो गांव के मच्छर भी नहीं डरते। फारस को तो दिल कर रहा मच्छर की तरह मसल दूं, और मेरी बीवी और मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया, और खुद सुकून से हवेली के अंदर सो रहा है, और मुझे यहाँ मच्छरों का कैंडल डिनर बना दिया।
और छोड़ूंगा नहीं मैं तुझको फारा, और नहीं छोड़ूंगा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। निशा नहीं उठी? नहीं, वो सो रही है अभी तक। अच्छा, तुम तो नाश्ता करो, बैठो, वो जब उठेगी तो कर लेगी। खालू नहीं करेंगे नाश्ता क्या? अम्मा, अब्बा ने ना भूख हड़ताल कर दी है, नाश्ता करने से बिल्कुल इनकार कर दिया उन्होंने। ओए हीरो, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग। नींद आ गई थी ना ठीक से रात को? सपने सपने तो देखे होंगे मेरे। अब तो खड़ा क्यों है, बैठ नाश्ता कर। क्या तू भी अब्बा की तरह भूख हड़ताल पे? नहीं, लेकिन वो खालू। बेटा तुम अपने खालू की फिक्र ना करो, उन्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत खाने से है। वो ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। तुम नाश्ता करो, मैं उन्हें देखती हूँ। कि तू इंतजार में कि मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊं? अरे नहीं, मैं वो बस खालू। कितना नॉन रोमांटिक है तू। एक चांस दिया था मैंने, वो भी खो दिया तूने बुद्धू। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगी। चाय पियोगे? मर जाऊंगा मैं, भूख से मर जाऊंगा। इतनी जोर की पराठों की खुशबू आ रही है, क्या करूं? पर नहीं चौधरी, इज्जत का सवाल है। वो चौधरी क्या जो अपनी बात से फिर जाए। पर पेट और भूख को क्या पता कि मैं चौधरी हूँ। कोई लस्सी का गिलास ही दे दे। नहीं नहीं, वो कर लेना अच्छी तरह। बड़ा शौक है करने का, इसका नाम क्या, भूख हड़ताल है? खमखा की लगा रखी जिद। हाय, मेरे तो पेट में डायनासोर दौड़ रहा है। लगड़ भग्गे के पेट में डायनासोर आ तो नहीं सकता है, लेकिन भाई क्या तकलीफ है। अच्छा खासा तो है वो मेरा, क्या नाम है इसका बेटा, फारिस। इतना उसको खुश रखेगा कि जिसका जिसका नाम क्या है, कहने की वो है ही नहीं। हद। हाँ? गलती की मैंने भूख हड़ताल करके, और नाराज ही रहता तो ठीक था। कैसी खुशबू आ रही है साग की। अल्लाह, मेरी नाक ही बंद कर दे। अल्लाह मियां, वैसे अभी फिलहाल तो उसकी नाक का इशू हल कर, लेकिन उससे भी पहले चौधरी साहब को थोड़ी सी वो दे दे, क्या नाम है इसका, अकल। हाँ। कोई मनाने ही आ जाओ, और झूठे मुँह ही पूछ ले, कोई आके के खाना खा लो। अरे भाई इतना आसान तो है, अच्छी तरह कर ले मैं उसका नाम क्या है। हाँ, और सब बातें हो जाएंगी हल, मगर कहाँ जी। अल्लाह, इसका तो पता नहीं है, लगता पेट पे पत्थर बांधना पड़ेगा। अच्छा तो चौधरी साहब ऐसा करें, आप फिर लम लेट हो जाए, मैं ऐसा करती हूँ ढूंढ के लाती हूँ वो उसका नाम क्या के बड़ा सा एक वो पत्थर। अरे फारिस बेटा, तुम घर पे हो? इस तरह तो तुम बोर हो जाओगे बेटा। अच्छा मैं हीर से कहती हूँ तुम्हें ले जाए, बाहर घूमो फिरो। नहीं खाला, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो। खाला I'm sorry, मुझे अंदाजा ही नहीं था खालू उस तरह रिएक्ट करेंगे। बेटा तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हें कहा था ना वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। नहीं खाला, पता है मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और मेरी वजह से आपका पूरा घर डिस्टर्ब हो गया है।
देखो बेटा, जब लोग एक साथ रहते हैं, जहां वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, वहां एक दूसरे से नाराज भी होते हैं। और तुम्हारे खालू तो दिल के बहुत अच्छे हैं। तुम देख रहा, अभी जब उनका मूड ठीक हो जाएगा ना, तो कैसे हंस हंस के बातें करेंगे तुम्हारे साथ। जाओ शाबाश, घूमो फिरो, पहली दफा आई हो तुम। और अगर तुम इस तरह उदास हो गए ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जी मैं हीर को बुलाती हूँ। जी हीर, हीर। कभी ये लड़की आवाज का जवाब नहीं देती, मैं उसे बुला के लाती हूँ। हाय हाय चौधरी साहब, बस आपको क्या बताऊं, आपने माना आकर ना बहुत बड़ी गलती की है। चौधरी जूब की शादी में उसने जो ना पता नहीं कितने किस्म के खाने थे, और 16 खाने की अलग अलग डिशें, उसमें 4 डिशें तो देसी कुकड़ की थी चौधरी साहब, और वो भी जो है ना अलग अलग सेके में, और इतनी बड़ी बड़ी बोटी। हाय हाय हाय, इसको कैसे बताऊं, मैं कल रात से भूखा हूँ। आए हाय चौधरी साहब, अब जो है ना आप आ जाएं चावलों की तरह, चावलों की भी 4 डिशें, और सब अलग अलग, सिंधी बलोची ते नाले पठानी है, और वो कराची की बिरयानी है, वो तो चावल खुद ही बोल रहा था कि किसी ने बड़े ढंग से पकाया है मुझे। ये खानों को छोड़, ये बता फसल पकी के नहीं। वो छोड़े चौधरी साहब, फसल तो पकती रहेगी, वो जो 4 बड़ी डिशे बड़े गोश्त की पकी हुई थी, वाह जी वाह। और चौधरी अयूब की शादी में, चौधरी अयूब के 2 उल्टे गात के गांव वाले और 2 सीधे गांव वाले, वो तो खुशबू ही सूंघ रहे थे चौधरी साहब। फिर नाले ना कुछ लोग तो अपनी उंगलियां चाट रहे थे और दूसरों की। हाँ, और अब सुने चौधरी साहब मिठे का हाल। हाय हाय, ओए ऐसे कह रहा है जैसे सदियों का भूखा है। और चौधरी साहब ये आप कह रहे हैं, और चौधरी साहब आपसे बड़ा जो है ना खाने का शौकीन तो पैदा ही नहीं हुआ कुछ। और आप सुने मिठे का हाल। ओए दफा हो जा, दफा हो जा, और चल जा यहाँ से, मुझे सोना नींद आ रही है। चौधरी साहब मिठा, और दफा हो मैं कह रहा हूँ तुझे। क्या है, है? तो इधर भूख से हालत खराब है, ये मीठे की बातें कर रहा है। चौधरी गफूर का इलाका शुरू हो, खानदानी झगड़ा चल रहा है हमारा, कभी वो हमारा बंदा मार देते, कभी हम उनका बंदा मार देते। हाँ, आखिरी लड़ाई में ना उनका एक जवान जहान लड़का मर गया, उन्होंने बदला लेना था। अब हमारे यहाँ तो सिर्फ मैं ही एक लड़की हूँ, कोई लड़का तो है नहीं, तो तुझे रोका इसीलिए कि वो तुझे मार दे और अपना बदला ले ले। ओ रांझे जोगी हो गया, ओ रांझे तू जोगी हो गया। हाय लाडो, तू बता, वो कोई करता है किसी के प्यार में इतना? आशिकी 3 बन सकती है रांझे के प्यार पे, और वो भी 300 करोड़ का बिजनेस गारंटी। हाय, खुद चौधरी का बेटा हूं, लेकिन अपनी जमीन हवेली छोड़ के यहां आ गया हूं, और पैसे न ला रहा हूं। और नहीं लाडो, वो माइंड ना करना, वो तुझे नहीं कह रहा, वो पैसे तो ये सारी हैं, तू तो मेरी लाडो है। तो बता लाडो, भला हीर की ये भागकर शादी करने की जिद जायज है? मुझे तो बड़ा डर लगता है वो कहीं खेल ही खेल में मेरे साथ ना खेल हो जाए। काश तू बोल सकती लाडो, तो हीर को बताती कि रांझे के दिल का हाल क्या है, पर वो तेरी गल कहां समझेगी। लेकिन एक बात बता दूं लाडो,
अगर हीर मेरी ना हुई ना तो रांझे ने ना पूरे पिंड को आग लगा देनी है। और रांझे और जल्दी से कुछ खाने को ला, पेट में भूख से आग लगी हुई है, और जल्दी से लेकर आ कुछ खाने को। आए, आए, आए। चोई साहब आप यहाँ? सवालों में गा न कर वक्त को, खाने को कुछ लेकर आ। चोई साहब खाने को तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है, आज लगता है कोई अजीब सा दिन है। और वैसे भी ना सुबह से दूध नहीं दे रही, लगता है हड़ताल पर हैं। और कार से जो नाश्ता आया था वो मैंने खा लिया। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? एक तो मैंने तुझे हजार दफा मना किया है कि अपनी उदास बांसुरी जो है वो इन भैंसों के सामने ना बजाया कर, पता नहीं किसके इश्क में गिरफ्तार होके बांसुरी बजाता रहता है हर वक्त। अब कुछ तो होगा खाने को। तो ऐसा भैंसों का चारा है। और तेरे मुंह पे चपेड़ मार के ना मैं भैंसों के साथ बांध दूंगा, जा दफा हो खाने को ला कुछ। आपको खाने को थोड़ी कहा था, वो आपने पूछा इसलिए बता रहा था। दफा हो जा, खाने को ला कुछ, भूख लगी है। हर वेले बांसुरी बजाता रहता है, अल्लाह जाने कब इश्क सवार। चल फिर शाबाश, ट्राई कर। मुझसे नहीं चढ़ा जा रहा इसमें यार। तू तो बड़ा हल्का निकला वैसे। लड़के तो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए पता नहीं क्या क्या करते, और तुझसे इस दरख्त पे नहीं चढ़ा जा रहा, हद है। अब खामोश क्यों है? कुछ बोल अपनी सफाई में, कोई रीजन दे, कोई लॉजिक मार। चल लाइन ही मार दे। लाइन? अरे रब्बा, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। सुनो वो, मैं तुमसे एक बात पूछूं। हाँ हाँ क्यों नहीं पूछ। तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका है? ये पूछना था तुझे? हाँ। वो देख नजर आ रहा है, आखिरी खेत नजर आ रहा है? हाँ। वो जो लाइन है ना आखिरी जमीन की, वहां से ना हमारी जमीनें खत्म हो जाती हैं, चौधरी गफूर का इलाका शुरू होता है, खानदानी झगड़ा चल रहा है हमारा, कभी वो हमारा बंदा मार देते, कभी हम उनका बंदा मार देते। हाँ आखिरी लड़ाई में ना उनका एक जवान जहान लड़का मर गया, उन्होंने बदला लेना था। अब हमारे यहाँ तो सिर्फ मैं ही एक लड़की हूँ, कोई लड़का तो है नहीं, तो तुझे रोका इसीलिए क्यों तुझे मार दे और अपना बदला ले ले। मुझे? मगर क्यों? तू लड़का है, जवान है, बस मेरिट पर है तू मरने के लिए। मतलब तू चाहती है कि मैं? हाँ तू कल हार रहा। मैं कोई हार वार नहीं रहा। और देख हीर, मैं कोई रिक्स नहीं ले सकता, और ये जो तेरी फजूल सी ख्वाहिश है ना इसको तू भूल जा। हद हो गई यार, मुझे मोटिवेट करने के बजाय उल्टा डरा रही हो तुम। सच बता रही हूँ तुम्हें, क्योंकि जो मुकाबले तुम कर रहे हो ना वो तुमने कभी सोचा नहीं, ऐसी मुंह सड़ा के बैठा होगा तू। एक बात याद रखना रांझे, मैं सब भूल सकती हूँ लेकिन तेरी बासुरी की आवाज नहीं।